हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं शशांक की जेयर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर वाटर पंप के बारे में। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी लंबे समय से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है, मैं शहर में रहता हूं और सोलर वाटर पंप यूज़ नहीं कर पाता, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया था नहीं। लेकिन अब फिलहाल पिछले कुछ समय से मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा है, जानकारी पढ़ी है, ब्रांड्स को कॉन्टैक्ट किया है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी पता करी है और मैं अब आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकता हूँ कि एक एचपी के लिए कितने किलोवाट का सिस्टम आपको लगवाना पड़ेगा, सब्सिडी मिलेगी या नहीं, उसका प्राइस कितना पड़ेगा, सारी चीज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए। तो सबसे पहले सोलर वाटर पंप के बारे में बताने से पहले आपको ये समझना होगा कितने तरीके के सोलर वाटर पंप मार्केट में अवेलेबल हैं। एसी और डीसी दोनों तरीके के वाटर पंप मार्केट में मिलते हैं आपको। अब एसी पंप के बारे में मैं बता देता हूँ। नॉर्मल जो आप अपने घर पर अप्लायंसेज यूज करते हैं, पंखा, लाइट, ये सब एसी अप्लायंसेज होते हैं। एसी मतलब ऑल्टरनेटिव करंट पे ये काम करते हैं, और जो सोलर पैनल बिजली बनाते हैं वो डीसी करंट बनाते हैं। अब जो ये एसी अप्लायंसेज हैं ये डायरेक्ट सोलर पैनल से कनेक्ट नहीं हो सकते, ये खराब हो जाएंगे, तो बीच में आता है इन्वर्टर, चार्ज कंट्रोलर, वो डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करते हैं और फिर आपके अप्लायंसेज चलते हैं। अब मार्केट में डीसी अप्लायंसेज भी आने लगे हैं, जैसे पंखा है, पंखा मैं बोलूं तो डीसी अप्लायंस, डीसी पंखा भी आता है, डीसी बल्ब भी आता है। अब डीसी से मतलब ये है कि आप उस पंखे को, डीसी पंखे को डायरेक्ट सोलर पैनल से लगा दीजिए, बीच में कोई डिवाइस नहीं चाहिए, और आप डायरेक्ट ऊपर सोलर पैनल छत पर रख दीजिए, धूप डलेगी उस पर, करंट बनेगा, नीचे पंखा चल जाएगा, किसी दूसरे डिवाइस की जरूरत नहीं है। सेम चीज़ वाटर पंप के साथ भी है, इसमें एसी वाटर पंप भी आता है, डीसी वाटर पंप भी आता है। तो आप जब भी खरीदेंगे, जिस भी ब्रांड से खरीदेंगे, उनसे पता कीजिए उनके पास कौन सा वाटर पंप अवेलेबल है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और किस में ज्यादा फायदा है, ये चीज आप पता कीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एक एचपी का पंप चलाना चाहते हैं आप, तीन एचपी का पंप चलाना चाहते हैं, उसमें कितने किलोवाट का सिस्टम लगेगा। तो इसको आप ऐसे मान के चलिए, एक एचपी के लिए एक किलोवाट, दो एचपी के लिए दो किलोवाट, पांच एचपी के लिए पांच किलोवाट और दस एचपी है तो दस किलोवाट, इस तरीके से आपको सिस्टम लगाना पड़ेगा। अब 10 किलोवाट का मतलब है 10 किलोवाट के पैनल लगेंगे उसमें। अब बात आ जाती है भाई प्राइस कितना पड़ेगा, तो प्राइस आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें सब्सिडी भी मिलती है और नहीं भी मिलती है। मिलने का रीज़न ये है कि अलग अलग स्टेट की सब्सिडी अलग अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग हिसाब है, और उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि सब्सिडी आपने आज सोलर पंप लगवाना है आज ही मिल गई, आपको फाइल बना के जमा करानी पड़ेगी। आज सोलर पंप आप लगवा रहे हो, पूरी कॉस्ट आपको खुद देनी पड़ेगी, उसके बाद 3 महीने बाद 6 महीने बाद सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी, आई तो, इसकी गारंटी नहीं है कि सब्सिडी आएगी। ऐसा होता है लोगों के साथ, वो फाइल बना के जमा करा देते हैं और साल भर हो चुका है उन्हें सब्सिडी नहीं मिली है। तो अगर आप अपने घर पर सोलर वाटर पंप लगवाना चाह रहे हैं अपने खेत में, तो सब्सिडी को भूल जाइए, फाइल बनाकर आप जमा करा सकते हैं, लेकिन यही लेके मान के चलिएगा कि पूरा पैसा आपको लगाना पड़ेगा। अब मैं जो आपको प्राइस बता रहा हूँ ये बिना सब्सिडी के बता रहा हूँ कितना पड़ेगा। तो अगर मैं 3 HP की बात करूँ तो 3 HP की मोटर के लिए आपको लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। वहीं 5 HP की बात करूं तो वहां पर आपका 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अब आप कह रहे हैं कि इतना ये प्राइस डिफरेंस क्यों है, 2.5 से 3 लाख, 1.5 से 2 लाख, तो वो इसलिए है कि हर जगह आपकी जो मोटर है उसकी गहराई अलग अलग होगी, कहीं पर पानी थोड़ा ऊपर है, कहीं पर ज्यादा नीचे मिलेगा आपको, तो जितना गहराई में डालोगे उतने ज्यादा पाइप बढ़ेंगे, उतने ज्यादा केबल्स बढ़ेंगी, तो उनका खर्चा अलग आएगा। तो 5 HP के लिए 2.5 से 3 लाख का खर्चा आप मान के चलिए बिना सब्सिडी के, ये मैंने आपको बताया है। अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि 3 लाख रुपए मैं लगवाने को तैयार हूं 5 HP के पंप के लिए, उसमें मुझे क्या क्या मिलेगा, क्या सिर्फ पंप मिलेगा? नहीं, उसमें आपको मिलेगा एक पंप, जो जितने भी HP का आप लगवा रहे हैं उसके हिसाब से आपको पंप मिलेगा, उसके हिसाब से आपको सोलर पैनल्स मिलेंगे, उसके हिसाब से आपको पाइप मिलेगा जितनी गहराई में वो जा रहा है, उसके हिसाब से आपको केबल भी मिलेगी, उसके हिसाब से अगर आपका AC कोई पंप है तो उसके लिए जो चार्ज कंट्रोलर चाहिए होगा या वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव एक डिवाइस होता है अगर वो चाहिए होगा तो वो उसमें इंक्लूडेड होगा, और साथ में अगर इसमें स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर भी इंक्लूडेड होगा। इसका स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल हम अपने घरों पर जो स्ट्रक्चर लगाते हैं वो GI स्ट्रक्चर होता है, ये भी GI स्ट्रक्चर है, लेकिन हमारे घर पे जो होता है वो फिक्स होता है, आपने बोल्ट करा दिया, कंक्रीट करा दिया, वो ऐसे ही रहता है, वो हिलेगा नहीं। लेकिन इस वाले में क्या है, आपको जो पंप होता है वो सुबह से शाम तक चलाना होता है, सूरज पूरब में से निकलेगा, पश्चिम में ढलेगा, पूरा घूम के जाता है। अगर ऐसे सोलर पैनल आपके रहेंगे तो सुबह के टाइम सूरज यहां से निकलता है, रोशनी तिरछी पड़ेगी, और शाम को जब सूरज इधर से जाएगा तब भी रोशनी तिरछी पड़ेगी, तो बिजली कम बनेगी। ज्यादा बिजली बनाने के लिए कहते हैं कि सोलर पैनल की जो दिशा है वो सूरज के एकदम सामने होनी चाहिए ताकि बिजली ज्यादा बने। तो
ऐसे में आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो रोटेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आप इसको पूरा घुमा सकते हैं ऐसे करके, सुबह जब सूरज निकलेंगे और शाम को जब सूरज ढलेगा तब वो सीधा आप अपने पैनल को उस हिसाब से घुमाते रहिए हर एक घंटे दो घंटे में, और आपकी जो बिजली है वो ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा पानी निकलेगा। तो स्ट्रक्चर, पैनल, पंप, पाइप और केबल, ये सारी चीज़ इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा सुबह और शाम के टाइम बिजली थोड़ी कम बनती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। दिन में 12 बजे से 3 बजे तक पूरी तेज़ धूप होती है, उस टाइम पर ज़्यादा बिजली बनती है, तो पानी का फ्लो भी अच्छा खासा रहेगा। तो ये जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था, और मुझे लगता है मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दे दी। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का जवाब देने की। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आपके जान पहचान का कोई है जो सोलर वाटर पंप लगवाने की सोच रहा हो उन्हें दिखा सकते हैं आप ये वीडियो। और अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद है, ज़्यादातर सोलर एनर्जी से रिलेटेड अगर आप जानकारी चाहते हैं पैनल्स या कुछ भी इन्वर्टर बैटरी के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।